यमलोक जाकर पापी किस प्रकार की यातनाएं भोगता है। मित्रों, अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि हम पूरे जीवन गलत कार्य करते हैं तो मरने के बाद हमारी जीवात्मा को बहुत सी भयंकर यातनाओं तथा कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यमलोक जाकर पापी किस प्रकार की यातनाएं भोगता है? चलिए बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। एक बार फिर गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के 13वें दिन पिंड से तैयार सूक्ष्म शरीर को लेकर यमदूत यमलोक लेकर आते हैं। इस मार्ग में कई गांव हैं जिनमें पाप कर्म करने वालों को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मा को मार्ग में कई सूर्य एक साथ चमकते नजर आते हैं जिससे उसका शरीर जलता रहता है। इस रास्ते में तलवार के समान पत्तों वाले वृक्ष और खाई है जिनमें कष्ट भोगता हुआ जीवात्मा यम के दरबार में पहुँचता है। अब बता दें कि पुराण के तीसरे अध्याय में धर्मराज द्वारा पापी आत्माओं को सजा देने का वर्णन मिलता है। पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से प्रश्न करते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करने के बाद यम भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यात्रा को भोगता है और किस प्रकार धर्मराज पापियों को सजा देते हैं? इस पर भगवान विष्णु उत्तर देते हुए कहते हैं, जो नास्तिक और महापापी प्राणी होते हैं उनके बारे में धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वो चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में पूछते हैं, जिस पर चित्रगुप्त श्रवणों से पापी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं। उनके कान सुदूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से ही किसी भी दृश्य को देखने वाले होते हैं। वो श्रवण और उनकी पत्नियां ही हैं जो मनुष्यों के बारे में सब कुछ जानती हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति की आत्मा यमलोक पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप पुण्य का लेखा झोंका चित्रगुप्त महाराज को देते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त मृत्यु के देवता धर्मराज को सब बताते हैं और फिर जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार यातनाएं मिलती हैं। इस प्रकार पापी मनुष्यों के पाप के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम देवता उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयानक रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 बुझाएं, लाल आंखें और 3 योजन जितना विशाल काय शरीर देखकर भय के मारे आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीवात्मा से कहते हैं, अरे पापी दुराचारी, जो पाप तूने किए हैं वो सभी दुख देने वाले थे और ये जानते हुए भी तूने वो पाप क्यों किए? जिस प्रकार हर्ष उल्लास के साथ तूने वो पाप किए हैं, तो अब इस समय तू उनके बारे में सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है? धर्मराज की ये बातें सुन आत्मा और जोर जोर से रोने लगती है और अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद यमदेव भी चोर की तरह बैठे पापियों को देख दूतों को उन्हें सजा देने की आज्ञा देते हैं, जिसके बाद यम की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंडक नाम के दूत एक पाश से आत्मा को बंधक बनाकर नरक की तरफ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि नरक की शुरुआत में अग्नि के समान प्रभाव वाला 5 योजन में फैला और 1 योजन ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष में नीचे की ओर मुख करके सभी पापी जीवात्माओं को साकलों से बांधा जाता है। फिर दूत उनकी पिटाई करते हैं। जीवात्मा रोती है, भूख प्यास से तड़पती है और अपने किए पर पछताती है, परंतु उनकी करुण पुकार को कोई सुनने वाला नहीं होता। जीवात्मा यमदूतों से क्षमा याचना करती है, किंतु यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों, भालों और गदों से लगातार मारते हुए और कहते हैं, पापी आत्मा, तूने कभी क्यों सुलभ काम और अन्न का दान क्यों नहीं किया? तुमने कभी पितरों के लिए तर्पण नहीं किया, कभी कौए कुत्ते और गायों के लिए दान नहीं दिया, कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया। अगर तू ऐसा करता तो तुझे इस तरह का दंड नहीं झेलना पड़ता। ऐसा कहकर यमदूत जीवात्मा को और निर्दयता पूर्वक पीटने लगते हैं, जिससे आत्मा अंगारे की तरफ जलती हुई वृक्ष से नीचे गिर जाती है। वृक्ष से गिरते ही उसे कुत्ते नोचने लगते हैं। इसके बाद यमदेव की आज्ञा से यमदूत जीवात्मा को त्रामिस्त्र नरक में फेंक देते हैं। आपको बता दें कि इसी वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू हो जाते हैं, जहां जीवात्माओं को उनके पापों और कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। वैसे तो ये सभी नरक कष्टकारी हैं, लेकिन इनमें से भी 21 नरक जैसे तामिस्त्र, महारौरव, शालम्बली, रौरव और कालसूत्रक ऐसे नरक हैं जो अत्यधिक भयंकर और कष्टकारी हैं, जहां जाने पर जीवात्मा को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि इस तरह धर्मराज पापियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
जिसके बाद उन्हें उनके कार्यों के अनुसार नरक प्रदान किया जाता है। किंतु क्या आपको ये पता है कि यमराज धरती पर आत्मा को वापस क्यों भेजती है? आपको बता दें कि यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि वो आत्मा को वापस उसके घर धरती लोक पर लेकर जाएं, जहां आने के उपरांत जीवात्मा अपने शरीर को मृत पड़ा हुआ देखती है और घर वालों को विलाप तथा रोते हुए देखती है। आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने का प्रयत्न करती है, परंतु असफल रहती है। धर्मराज चाहते हैं कि घर परिवार से उसका मोह भंग हो जाए और वो नई यात्रा की तैयारी के लिए फिर से धरती पर जाए। तो मित्रों, आपने जाना कि यमलोक जाकर पापी किस तरह की यातनाएं झेलता है। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद।